is up boys, ये आपका अपना लौंडा and in this video I'm gonna be telling you guys some sniping drills, techniques और basically how you can master sniping. तो boys जैसे तुम लोगों को पता होगा इंडिया का बेस्ट स्नाइपर दलजीत एसके द स्नाइपर किंग और मैं तो ये भी बोल सकता हूँ 100% श्योर हूँ मैं कि वर्ल्ड के टॉप 5 स्नाइपर्स में आता होगा वो भाई क्योंकि वो बहुत ही गलत करते हैं स्नाइपिंग बहुत ज़्यादा गलत. तो सीन क्या है तुम्हें सेंसी पता है सेटिंग मैंने बता दी है. अब देखो स्नाइपिंग ना एक आर्ट होती है वन शॉट वन किल होना चाहिए बंदा क्योंकि अगर तुम बॉडी शॉट मारोगे बंदा नॉक नहीं होगा फायदा कुछ नहीं है तुम अपनी पोजीशन अलग बता दोगे से ठीक है. तो देखो स्नाइपिंग की सबसे पहली ड्रिल ये देख सकते हो तुम जो टारगेट्स लगा रखे इन्होंने एक पोजीशन में खड़े हो जाओ किसी भी स्कोप खोलो और हेड पे एम करो और फिर मारो इजी और फिर छोड़ दो. अब हेड पे एम करने के लिए इससे बोल रहा हूँ क्योंकि स्नाइपिंग कर रहे हो तो भाई ऑब्वियस है हेड पे ही एम करना तभी बंदा नॉक होगा. अब हेड पे एम करने के लिए ना ये जो क्रॉसर देख रहे हो तुम ये स्क्रीन के ऊपर है इसको हमेशा हेड की तरफ रखो एग्जैक्ट नहीं रख सकते तो हेड के थोड़ा पास रखो ताकि जब तुम स्कोप खोलो ना ऐसे तो वो हेड पे ही रहे और तुम हल्का सा हिलाना पड़े और फिर मार सको. वही अगर तुम देखो ऐसे बॉडी पे एम करोगे फिर तुम ऊपर जाओगे फिर मारोगे तब तक तुम खुद नॉक हो जाओगे तो उसका रिस्क क्यों लेना है. एक्यूरेसी बढ़ाओ सिर्फ हेडशॉट लेने की ठीक है और ऐसी प्रैक्टिस करो ऐसे मारा फिर छोड़ा फिर इस वाले में गए फिर ऐसे करा अपना फिर क्रॉसर इधर रखो फिर मारा फिर ऐसे एकदम हेड पे खुलना चाहिए तुम्हारा स्कोप तभी जाके तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी. तो ये जो ड्रिल है ये तुम्हें करनी है कम से कम 10 से 15 मिनट ले रोज. तो बॉयज नेक्स्ट जो ड्रिल है वो सेम ही ड्रिल है बस तुम्हें अब क्या करना है हेड पे तो एम करना ही है उसके साथ साथ मूवमेंट भी देना है ठीक है. ये हेड पे तो इसका बेसिक वो होगा तुम्हारे रिफ्लेक्स बढ़ेंगे और हेड पे एम करने लिए जैसे मैंने तुम्हें बताया फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इस वाले टारगेट को मारना है तुम इधर से आ रहे हो तो इस अपना जो क्रॉस है ना वो इसके हेड पे रखो थोड़ा उसके पास ये देखो हेड पे पड़ा तो ऐसे ही करना. ये थोड़ी एडवांस ड्रिल है अगर फर्स्ट वाला तुम सही से कर पाओ तो ऐसे करके तुम्हें हेड पे एम करके मारना है. तो बॉयज जो नेक्स्ट ड्रिल है वो इसका थर्ड स्टेप है इसमें तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा मूवमेंट देना है क्योंकि देखो भाई स्नाइपर है दूसरा बंदा भी स्नाइपर चलाएगा तो तुम ऐसे खड़े रह के भी दोगे तो क्या पता वो भी बढ़िया बंदा हो वो तुम्हारे मार दे हेडशॉट ठीक है. तो अब क्या करना है मूवमेंट देते रहो हेडशॉट लगाओ छोड़ो और बैठ जाओ देख रहो स्कोप खोलो फटाफट स्कोप खोला मूवमेंट चल रही है भागते हुए मारो और बैठ जाओ. तो बॉयज जो नेक्स्ट ड्रिल है वो है स्नाइपिंग जब तुम करते हो तो स्काउटिंग भी करनी पड़ती है बहुत बार टीम के लिए क्योंकि 300 मीटर्स के बाद कोई भी चीज़ रेंडर नहीं होती. तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा घास में लेटा होगा तो वो तुम्हें इजीली दिख जाएगा तो उसका सीन कैसे होता है बहुत लोग ऐसे करते हैं स्नाइपिंग वो ना ऐसे खड़े हो जाएंगे और लगे हुए ऐसे ऐसे देखने में भाई वो क्लासिक में भी चल जाता है अगर कोई थोड़े नए बंदे हो नए अंदर से नूब लॉबी हो तब चल जाता है अगर बढ़िया बंदों के सामने तुम ऐसे खड़े रहकर करोगे वो M4 का स्प्रे दे गिरा देंगे तुम्हें. तो इसमें क्या करना होता है पहले सबसे पहली चीज़ मूवमेंट हमेशा दो क्योंकि जो दूसरा बंदा है ना वो भी स्नाइपर चला रहा है उनके टीम में भी एक स्नाइपर होगा तो हमेशा मूवमेंट देनी है तुम्हें. और ये देख रहे हो ये स्कोप खोलते हो ना कभी भी हमेशा से पीक करो या तो लेफ्ट राइट और ADS मैंने तुम्हें बता ही रखा है. अब मैं बताता हूँ इसका फायदा क्या. देखो स्कोप खोलते हैं ना तो ऐसे लेफ्ट राइट होता है. अब बिना स्कोप के दिखाता हूँ तुम्हें क्या फायदा. ये देखो ये देख रहे हो ये फायदा होता है तो कोई बंदा हेड मार ही नहीं सकता इसमें. बिना मूवमेंट के भी करूँ ना तो बहुत मुश्किल होता है हेड मारना और मूवमेंट के साथ करो तो भाई वाह कोई बंदा लेगा ही नहीं शॉट तुम पे. तो ये होती है स्काउटिंग की ट्रिक मतलब ड्रिल है तो ये तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बॉयज जो नेक्स्ट ड्रिल है वो है रिफ्लेक्सेस की ड्रिल. और देखो क्योंकि अगर स्नाइपिंग कर रहे हो तो तुम्हारे रिफ्लेक्स पिन पॉइंट होने चाहिए फास्ट होने चाहिए हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए स्नाइपिंग के लिए ठीक है. हमें क्या करना है कवर में रहो सबसे पहली बात तो कवर में हो बढ़िया आगे बंदा है तो उसका वेट नहीं करना और कब स्टिल होगा तुम स्कोप करके बैठ जाओ पहले स्टिल होगा तो सीधा मारो और बैठ जाओ. तो ये होती है रिफ्लेक्सेस की ड्रिल. तुम चाइना प्रो प्लेयर्स को देखोगे ना वो ऐसे करते हैं भाई ऐसे ये देख रहे हो ये तो इसलिए है क्योंकि थोड़ी मैं स्नाइपिंग आती है तो इसलिए कर... तो बॉयज यही थी ड्रिल्स. और अब जैसा बहुत लोग पूछेंगे 4x 3x 6x वगैरह का क्या करना है तो भाई यही चीज़ें करने जैसे मैंने 8x से करके बताया तुम्हें भी ऐसे तुम ये 4x से भी कर सकते हो यही सब सीन है. तो यार सब्सक्राइब करो तेरे लुडूगर स्वाला तेरी बिकी में आता कोई स्वाद नहीं देंगे सब दांत मेरे बार देते फाड़े शुद्धू का श्राप कर दे तेरे खटे दाते सीधा बात करू कर उल्टी सीधी बात नहीं मैं हूँ आजाद मेरे शब्दों की आवाज भारी सोच बुलंद भगत सिंह मैं हूँ क्रांतिकारी सोच विनाशकारी माफ किया लाश भारी गलती वो तेरी तूने इस बार की आस पास.